मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल्ली से आए राष्ट्रीय स्तर के FSL अधिकारी हर्ष शर्मा ने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को वैज्ञानिक साक्ष्यों का महत्व समझाया। FSL अधिकारी हर्ष शर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में IG अरविंद सक्सेना, SPG राजेश चंदेल सहित करीब 80 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को समझाया कि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर यदि किसी भी मामले की जांच की जाए तो उसमें किसी निर्दोष के फंसने और दोषी के बचने की संभावना न के बराबर होनी चाहिए। न्यायालय भी वैज्ञानिक साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपने जजमेंट पास करता है। सबूत के तौर पर मानव के प्रभावित होने की संभावना ज्यादा रहती है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। करीब 80 हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी विवेचना का काम करते हैं, ये सही से लेकर इसमें एडिशनल SP तक के अधिकारी मौजूद थे। उनको बुलवाया था। डॉक्टर शर्मा हमारे प्रदेश के निवासी हैं, फेमस फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं नेशनल स्तर के, तो उनके द्वारा जो है विभिन्न केसेस जो हैं जो कठिन प्रकृति के थे और उनको कैसे सबूतों के एनालिसिस के आधार पर क्रैक किया गया, इसके विषय में आज विस्तृत जानकारी दी गई। और इसमें बहुत से जो आस्पेक्ट्स उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से हैंगिंग जो है उसको कैसे ट्रेस करना चाहिए, एंटीमार्टम हैंगिंग है, पोस्टमार्टम हैंगिंग है, बर्निंग केसेस लिए गए कि एंटीमार्टम बर्निंग है, पोस्टमार्टम बर्निंग है, और इसके अतिरिक्त और कई प्रकार के जो स्पॉट्स रहते हैं जिसमें विवेचक जो है उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो सुसाइड का केस है कि होमोसाइडल केस है, जो आत्महत्या का है कि हत्या का केस है, इनको किस प्रकार से डिफाइन किया जाए, कैसे इसको मतलब आइडेंटिफाई किया जाए, ये भी उनके द्वारा बताया गया। मेरा जो स्ट्रेस था, जो मेरा मेरी बात का जो खास तौर से मैंने बताया कि वैज्ञानिक अन्वेषण किसी भी अपराध स्थल का किया जाना चाहिए, और वैज्ञानिक अन्वेषण में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है भौतिक साक्ष्य। पहले जो है ह्यूमन विटनेसेस के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट्स जजमेंट्स पास करते थे,